पहला प्रश्न। भगवान, नई दिल्ली नामक अंग्रेजी पत्रिका में हाल ही में आश्रम में चलने वाली समूह मनुष्य चिकित्सा संबंधी कई चित्र प्रकाशित हुए, जिनको लेकर समाचार पत्रों तथा अन्यत्र भी काफी चर्चा है, कुछ गलत फहमी भी। मेरे दिल्ली प्रवास के समय वहां के कई संपादक मुझसे पूछते थे कि आप इस संबंध में क्या कहते हैं, कृपा पूर्वक इस पर कुछ कहें। कृष्ण प्रेम नग्नता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने मनुष्य को नग्न ही बनाया है। वस्त्र तो आदमी की ईजाद है। नग्नता को अस्वीकार करना परमात्मा को अस्वीकार करना है, और वस्त्रों की ईजाद सुविधा के लिए हो तब तो ठीक, सर्दी हो और कोई वस्त्र पहने, प्रकृति से बचाव के लिए कोई वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्रों की मौलिक ईजाद प्रकृति से बचने के लिए नहीं, अपने को छिपाने के लिए। वस्त्रों के पीछे पाखंड है, इसलिए जब भी कोई नग्न खड़ा होगा तो तुम्हारे पाखंड को चोट लगती। महावीर नग्न हुए, बहुत विरोध हुआ, उससे भी ज्यादा विरोध हुआ जब लल्ला कश्मीर की फकीर स्त्री नग्न हुई। मगर ये इक्के दुक्के लोग थे, हमने किसी तरह सह लिया। मेरी दृष्टि में नग्नता सहज स्वाभाविक होनी चाहिए, और जब भी सुविधा हो व्यक्तियों को नग्न होने का नैसर्गिक अधिकार होना चाहिए। वस्त्र छिपाते और छिपाने में ही सारी पोर्नोग्राफी, छिपाने में ही अश्लीलता है। आदिवासियों में कोई अश्लीलता न मिलेगी क्योंकि वे नग्न हैं। जितना छिपाओगे उतनी अश्लीलता मिलेगी, क्योंकि जितना छिपाओगे उतना दूसरों के मन में कल्पना को जन्म मिलता है कि पता नहीं जो छिपाया गया है कितना रसपूर्ण होगा। छिपाने से रस पैदा होता है, विकृति पैदा होती। जिस चीज को भी हम छिपा लेते उसे देखने की आतुरता पैदा होती। बुरका डालकर, घूंघट डालकर एक स्त्री रास्ते से निकलती, लोग झुक झुक के देखने लगते। वही स्त्री बिना बुरका डाले निकलती, कोई उसके चेहरे पर ध्यान नहीं देता। स्त्री की तो छोड़ दो, तुम किसी पुरुष को बुरका पहना के निकाल दो रास्ते से और लोग आतुर हो जाएंगे और पीछे चलने लगेंगे। हजार काम छोड़कर देखने की उत्सुकता पैदा हो जाएगी। बुरके में राज है। जो छिपा है वह सहज ही जिज्ञासा पैदा करता है, कल्पना भी उसी से जन्मती है। तो थोड़ा छिपाओ और थोड़ा प्रकट रखो, ये अश्लीलता का सूत्र है। जरा सा प्रकट करो और जरा सा छिपाए रहो, तो जो प्रकट है वह छुपा है उसके संबंध में जिज्ञासा को जन्माता रहेगा। आदिवासी नग्न रहते हैं, न स्त्रियों को चिंता है पुरुषों की, न पुरुषों को चिंता है स्त्रियों की। सारे पशु नग्न हैं, वृक्ष नग्न हैं, तुम्हें कोई अड़चन नहीं हो रही। मनुष्य को क्या हो गया है? ईसाइयों की कहानी कहती है कि जैसे ही अदम और ईव ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, जो पहली बात उन्हें याद आई वो थी अपनी नग्नता। उन्होंने जल्दी से पत्ते उठाकर अपनी नग्नता ढांक ली। यह कहानी प्रीतिकर है,
अर्थपूर्ण है। ज्ञान का फल खाया, जैसे ही अहंकार जगा, ज्ञान का फल अहंकार जगाता है, और इसलिए अदम और ईव को परमात्मा ने स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनमें अहंकार का जन्म हो चुका था, और जहां अहंकार का जन्म होता है वहां छिपावट दुराव पैदा होता है। मैं समस्त दुराव का दुश्मन, मैं समस्त छिपाव का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम न केवल शारीरिक अर्थों में, मानसिक अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में सब तलों पर नग्न होने का सामर्थ्य जुटाओ। परमात्मा के सामने नग्न होना है सब तलों पर। तुम जैसे हो वैसे ही अपने को प्रकट करो, छिपाने से कुछ भी न होगा। फिर छिपाने के पीछे तुम बीमारियां देखते हो, रोग देखते हो। एक तरफ हम छिपाते हैं, लेकिन जरा गौर से देखो कि जो हम छिपाते हैं उसी को हम और उभाड़ के दिखाना चाहते हैं। स्त्रियां स्तन छिपाती, लेकिन छिपाती है या उभारती? स्तनों को उभारने के लिए कितने अंग वस्त्र ईजाद किए जाते हैं, ताकि स्तन सुडौल मालूम पड़े, बड़े मालूम पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े। एक तरफ छिपा रहे हो वस्त्रों में, दूसरी तरफ उभार के दिखला रहे हो, उछाल रहे हो। तुम जान के चकित होगे, यूनान में और रोम में ठीक इसी तरह की बीमारी अतीत में आदमियों को पैदा हुई थी, तो वो अपनी जननेंद्री पर एक चमड़ा चढ़ा लेते थे, चमड़े के खोल पहन लेते थे, ऊपर से वस्त्र पहनते, अंदर चमड़े की खोल जननेंद्री पर पहन लेते, ताकि वस्त्रों के ऊपर से जननेंद्री का बड़ा रूप दिखाई पड़ता रहे। इसको तुम रुग्ण कहोगे या स्वस्थ कहोगे? स्त्रियों के स्तन के संबंध में भी कुछ भेद नहीं, यही बात है। झूठे स्तन बाजार में बिकते, रबर और फोम के। झूठे नितंब भी बाजार में बिकते, ऊपर से वस्त्र हैं, भीतर झूठे नितंब हैं, झूठे स्तन। एक तरफ छिपाने का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ उछालने का खेल चल रहा है। कल मैंने अखबार में देखा, लोकसभा में स्त्रियों के अंग वस्त्रों पर कुछ चर्चा चली, तो मोहन धारिया ने कहा कि जिनको भी इस संबंध में ठीक से समझना हो वो श्री रजनीश आश्रम पूना जाए। मैं स्वागत करता हूं लोकसभा के सारे मित्र यहां आए। यह तो उन्होंने व्यंग में कहा है, लेकिन मैं निश्चित कहता हूं उन्हें समझना हो कुछ भी जीवन के संबंध में तो यहां आए। मोहन धारिया तो पूना ही रहते, कभी आए नहीं यहां। पूछते हैं जो भी मिलता है उससे आश्रम के संबंध में, आने की हिम्मत नहीं जुटाते यहां। इस आश्रम के द्वार पर कमजोरों का काम नहीं, इतनी भी हिम्मत नहीं जुटाते कि आके यहां देख ले। पूने ही रहते हैं, पूना ही घर है। लोकसभा में दूसरों को निमंत्रण दे रहे हैं, खुद कभी यहां आए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पूछताछ नहीं करते, जो भी आश्रम से संबंधित उनसे संबंधित है प्रत्येक से पूछताछ करते कि क्या वहां हो रहा है। एक पाखंड का लंबा सिलसिला है, उस पाखंड के कारण जरा जरा सी बातों से उपद्रव हो जाते हैं। नई दिल्ली पत्रिका ने लीला नाम के समूह चिकित्सा के प्रयोग के कुछ नई दिल्ली पत्रिका में नग्न चित्र छपे, उससे बहुत उपद्रव मच गया है।
बिना समझे बिना बूझे। चित्र भी सब चुराए हुए क्योंकि चित्र जिसने लिए थे जिस जर्मन पत्रकार ने वो अब सन्यासी है। स्टर्न के जर्मन पत्रकार सत्यानंद ने उन चित्रों को लिया था और जर्मनी की पत्रिका स्टर्न में बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ उन चित्रों को छापा था। व्याख्या तो छोड़ दी नई दिल्ली की पत्रिका ने, सिर्फ चित्र छाप दिए बिना किसी व्याख्या के, बिना समझाए कि ये क्या है और क्या हो रहा है। ये जालसाजियां है, ये अनैतिक व्यवहार है, ये अशोभन अलोकतांत्रिक व्यवहार है, ये न्यायुक्त बात नहीं है। एक तो चित्र चुराए हैं, स्टर्न से कोई आज्ञा नहीं ली है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, फिर बिना व्याख्या के छाप दिए जो कि अनीतिपूर्ण है, उनकी व्याख्या में ही उनका अर्थ छिपा है। सिर्फ चित्र को छाप देने से कुछ भी ना होगा, चित्र को छाप के तो सिर्फ लोगों को भड़काने की चेष्टा की जाती है और इस देश में इतना गहन अज्ञान है और इस देश में इतना गहन दमन है कि हर छोटी मोटी चीज लोगों को भड़का देती है। पहली तो बात, मनुष्य ने वस्त्रों को ओढ़ ओढ़ के अपने को मिस्टिफाई कर लिया, खूब रहस्य में बना दिया। मैं उस रहस्य को तोड़ देना चाहता हूं। वह रहस्य पोर्नोग्राफ का जन्मदाता है, अश्लीलता का जन्मदाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति नग्न हो जाता है, डीमिस्टिफाई हो जाता है, उसका रहस्य विलीन हो जाता है। तुम्हें खुद भी अनुभव होगा, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी में कोई रस नहीं रह जाता, अपने पति में कोई रस नहीं रह जाता, लेकिन पड़ोस की पत्नी में रस होता है। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन घर आया और उसने देखा उसका निकटतम मित्र उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। उसने एकदम सिर पीट लिया। मुल्ला ने सिर पीट लिया और कहा कि मैं हैरान हूं, तू ये क्यों कर रहा है, मुझे तो करना पड़ता है। पत्नियों में क्यों रस समाप्त हो जाता है, कारण तुमने खोजा, तुम उनकी देह से परिचित हो गए हो, रहस्य खो गया, जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं रहा, कल्पना को खुल के खेलने का कोई मौका नहीं रहा। लेकिन पड़ोसी की पत्नी, उसके संबंध में कल्पना को खेलने का मौका है। नग्न व्यक्ति को कितनी देर तक देखते रहोगे, थोड़ी देर बाद पाओगे बात खत्म हो गई। आखिर नग्न व्यक्ति में क्या हो सकता है, जो होता है वस्त्रों में, वस्त्रों की छिपावट में सारी अश्लीलता का राज छिपा है। दुनिया से अश्लीलता न मिटेगी जब तक नग्नता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकृत नहीं हो जाता। और फिर ये चित्र तो कोई सामूहिक स्थानों पर नहीं लिए गए, ये तो समूह चिकित्सा में बंद कमरों में हुए प्रयोगों के चित्र हैं। इससे किसी को कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। फिर इन चित्रों के पीछे क्या प्रक्रिया है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये चित्र कोई संभोग के चित्र नहीं, इन चित्रों में स्त्री और पुरुष नग्न है क्योंकि नग्नता में एक मुक्तिदायी तत्व है। जैसे ही तुम बहुत सी स्त्रियों और बहुत से पुरुषों को नग्न देख लेते हो, वैसे ही तुम्हारे मन में जो सदा दूसरों को नग्न देखने की आतुरता छिपी वह विलीन हो जाती। उसका विलीन होना बड़ा मुक्तिदायी है। उसके विलीन होते से ही एक कामातुरता नष्ट हो जाती, तुम सहज सरल निश्चल हो जाते। तुम्हारे पीछे जो एक रोग पड़ा था, तुम्हारे सपनों में जो नग्न स्त्रियां आ रही थी और गीता में जो तुम फिल्मी पत्रिकाएं छिपा छिपा के पढ़ रहे थे, वह सब बंद हो जाता है। इससे बड़ी निश्चल स्वतंत्रता उपलब्ध होती है।
एक सरलता आती जैसे छोटे बच्चों में होती। आखिर स्तन स्तन है, जनेन्द्रियां जनेन्द्रियां, नितंब नितंब है, उनमें कुछ भी नहीं, उनमें कुछ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन छिपाने के कारण बहुत कुछ हो गया। तुम जरा अपने दरवाजे पे तख्ती लगा दो कि यहां झांकना मना है, फिर उस रास्ते से एक भी इतना हिम्मतवर आदमी ना निकल सकेगा जो बिना झांके निकल जाए। एक मेरे मित्र थे, उनके मकान की दीवार के पास लोग पेशाब कर जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम एक बड़ी तख्ती लगा दो कि यहां पेशाब करना सख्त मना है। उन्होंने तख्ती लगा दी, पांच सात दिन मेरे पास आए और बोले आपने और मुसीबत कर दी। जो बिना पेशाब किए निकलते थे वो भी करने लगे, क्योंकि जब तख्ती पड़ी कि यहां पेशाब करना सख्त मना है तो अड़चन पैदा हो जाती, एकदम याद आ जाती। जिनको याद नहीं दी थी, जो अपने मजे से काम पे चले जा रहे थे, मैं रोज सुनता हूं जैसे ही मैत्री जी खड़े होते मुझे पता चल जाता है कि वो खड़े हो गए, क्योंकि लोग एकदम खांसने लगते। उनकी आवाज तो बाद में सुनाई पड़ती, लेकिन तुम्हारी खांसी की आवाज सुनकर मैं समझ जाता हूं कि मैत्री जी खड़े हो। उन्हें देख के, उसके पहले बिल्कुल तुम शांत बैठे थे, ना कोई गले में खराश थी ना कोई खांसी, लेकिन मैत्री जी क्या खड़े हुए, बस एकदम सबके गले में खराश हो जाती। इसे तुम रोज देखते हो, रोज अनुभव करते हो। निषेध में एक तरह का निमंत्रण हो जाता है। वस्त्रों ने निषेध पैदा कर दिया है और निमंत्रण पैदा कर दिया है। मोहनधारिया को जरूर मैं कहता हूं आओ, और दिल्ली के बाकी पागलों को भी अपने साथ ले आओ। यहां पश्चिम से मेरी सन्यासिनियां हैं, वो किसी तरह का अंग वस्त्र नहीं पहनती। भारतीय स्त्रियों को अड़चन होती, मुझसे एक दो भारतीय स्त्रियों ने कहा कि आप पश्चिमी सन्यासी स्त्रियों को क्यों नहीं कहते कि बॉडी पहने, अंगिया पहने। लेकिन बॉडी या अंगिया तो सिर्फ अंगों को उभारने के लिए पहनी जाती, वो तो जो स्तन ढल गए हैं, नहीं ढले हैं ऐसा दिखाने के लिए पहनी जाती। लेकिन भारतीय स्त्रियां सोचती हैं कि उसमें सील है, लाज है, संकोच है। उल्टी बात है। उन्होंने पश्चात मेरी सन्यासियों ने अंग वस्त्र छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें लाज नहीं है, अश्लीलता है। उसमें निमंत्रण, उसमें दूसरे की आंखों पर हमला है। तुम्हारे उभरे हुए स्तन सिर्फ दूसरों के भीतर लुच्चाई पैदा करते हैं और कुछ भी नहीं। लुच्चे का मतलब घूर घूर के देखने की आकांक्षा पैदा करते। लुच्चा शब्द बनता है लोचन से, आंख से। और जैसे ही तुम्हारे अंग वस्त्रों में उभरे हुए झूठे स्तन कोई देखता, उसकी आंख अटक जाती। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारी दुनिया के लोगों का यह अनुभव है कि भारतीय स्त्रियां दुनिया की किसी भी जाति की स्त्रियों से ज्यादा आकर्षक मालूम होती। राज, राज है उनकी धोती, राज है उनकी साड़ी, उनके अंगवस्त्र, छिपा छिपा के लाज में सक्ची सक्ची चलती। जितनी छिपी छिपी है उतनी ही आकर्षक मालूम होती। कुरूप से कुरूप स्त्री भी घूंघट में सुंदर हो जाती। मुल्ला नसुद्दीन ने शादी की, पत्नी घर आई, जैसा मुसलमानों में रिवाज है। पत्नी ने पहली बात जो पूछी वो यह कि मैं अपना बुर्का किन किन के सामने उठा सकती हूं। इसके पहले मुल्ला ने उसका चेहरा तो देखा नहीं था, विवाह के पहले देखने का तो कोई रिवाज था नहीं। तब पहली दफे चेहरा देखा, सांस भी रुक गई। उसने कहा, मुझे छोड़ के जिसके भी सामने तुझे चेहरा दिखाना हो दिखाना, बस मुझे भर छोड़ दे। बुरके में तो कुरूप से कुरूप स्त्री सुंदर मालूम होती। घूंघट कुरूप स्त्रियों का आविष्कार है।
बुरका कुरूप स्त्रियों की खोज है। और वस्त्रों में तुम क्यों अपने को छिपा रहे हो? क्योंकि वस्त्र तुम्हें एक तरह के झूठ में जीने की सुविधा देते, समझो। तुम पुरुष हो, तुमने एक सुंदर स्त्री देखी, अगर तुम नग्न हो तो तुम्हारी देह कह देगी कि तुम आकर्षित हो, तुम्हारे अंग प्रत्यंग कह देंगे कि तुम आकर्षित हो गए हो। अगर तुम स्त्री हो तो भी, तुमने एक पुरुष को देखा और तुम्हारे चित्त में आकर्षण जगा, तत्क्षण तुम्हारा शरीर सत्य को प्रकट कर देगा। इस सत्य को कैसे छिपाएं? एक ही रास्ता है, वस्त्र ओढ़ लो। तो मन में कुछ भी चलता रहे, देह प्रकट न कर पाए, ख्याल करना देह बड़ी ईमानदार है। देह को तुम झुठला नहीं सकते, देह झूठ नहीं बोलती। मन को तुम झुठला सकते हो कि मन भीतर है, दूसरे को पता न चलने दो तो न चलने दो, लेकिन देह तो बाहर है, उपलब्ध है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो गया है, उसकी जननेंद्रिय सूचना दे देगी कि वो उत्सुक हो गया है। अगर स्त्री उत्सुक हो गई, उसके स्तन सूचना दे देंगे कि वो उत्सुक हो गई है। मगर ये तो बड़ी अड़चन हो जाएगी, इसको कैसे छिपाना? वस्त्रों ने तरकीब दे दी, आड़ दे दी। तुम उत्सुक भी होते रहते हो दूसरों में, और शरीर जिन सत्यों को प्रकट करता उनको तुम वस्त्रों की आड़ में छिपाते रहते हो। ऐसे एक बेईमानी का जाल चल रहा है, मैं इस जाल को तोड़ देना चाहता हूं। ये समूह चिकित्सा के प्रयोग इस जाल को तोड़ने के प्रयोग है। फिर मैं कोई अभी जाके बाजार में और सड़क पर तुमसे ये प्रयोग करने को कह भी नहीं रहा हूं, इसलिए किसी को क्यों चिंता होनी चाहिए? जो इस उपद्रव से छूटना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनके लिए समूह चिकित्सा का आयोजन किया जा रहा है। फिर जब स्त्री और पुरुष, बहुत सी स्त्रियां बहुत से पुरुष नग्न होते हैं, एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, एक दूसरे के हाथ हाथ में लेते हैं, नाचते हैं, कुछ प्रयोग ऊर्जा को जगाने के करते हैं, वर्तुलाकार घूमते हैं, ये कोई संभोग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे की ऊर्जा को चुनौती दे रहे हैं, ऊर्जा जगनी शुरू होती। ख्याल रखना, ऊर्जा जग जाए तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो संभोग हो तो ऊर्जा स्खलित होती, और अगर संभोग ना हो और ऊर्जा जग जाए और जागती चली जाए तो उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, या तो अधोगमन होगा या ऊर्ध्वगमन होगा। नई दिल्ली पत्रिका में जो चित्र छपे हैं वो लीला नाम के समूह चिकित्सा के चित्र हैं। लीला, ऊर्जा की लीला का प्रयोग है। स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर दोनों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह जगता है। उस प्रवाह को इतनी चुनौती देनी है कि तुम्हारे भीतर जो सोए पड़े हुए हैं जन्म जन्मों के स्रोत, वे सब सजग हो जाएं, और फिर उसे अधोगामी नहीं होने देना है, उसे ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना है। ये कुंडलिनी जागरण के ही प्रयोग है, ये कुछ नए प्रयोग नहीं है, ये सदियों से तंत्र के मार्ग पर चलने वाले साधक करते रहे। सरहपा और तिलोपा और कणहप्पा सदियों से इन प्रयोगों को करते रहे। मैं पहली बार इन प्रयोगों को एक वैज्ञानिक आधार भूमि देने की चेष्टा कर रहा हूं। ये प्रयोग चुपचाप किए जाते रहे, शास्त्रों में इनका उल्लेख भी है, लेकिन सामान्य जन को इनकी कभी कोई खबर नहीं दी गई, क्योंकि सामान्य जन का कभी सम्मान नहीं किया गया। मैं सामान्य जन का सम्मान कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि क्यों सामान्य जन का इतना अपमान हो? आखिर उसे भी ये अनूठे प्रयोगों का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वह क्यों न जाने कि ऊर्जा के ऊपर जाते हुए आयाम भी है। वह क्यों वंचित रह जाए? जो ऊर्जा जननेन्द्रिय से स्खलित होती है, वह क्यों न सहस्त्रार में चढ़े और क्यों न सहस्त्रार का कमल खिले? जो अब तक छिपा छिपा था, गुप्त गुप्त था, उसे मैं प्रकट कर रहा हूं, यही मेरा कसूर है।